Welcome back. In the last video, we have already done the concept of article writing. And as I told you that today, I'm going to start with the revision of the chapters. And I'm again starting with Flamingo. The second chapter, Lost Spring, right? So now, अपने घर के आसपास में हम लोग कई बार देखते हैं रिक्शा पुलर्स और वी माइट बी सीइंग सम पीपल वर्किंग इन दी ढाबास छोटे छोटे बच्चे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन मैन आई एम टॉकिंग अबाउट यंग चिल्ड्रन ये हम बहुत कॉमन सिनेरियो है एंड दिस चैप्टर लॉस स्प्रिंग जो है इट डील्स विद टू थीम्स मतलब जब हम थीमेटिक क्वेश्चन बोलते हैं तो हमें दो थीम्स को मद्देनजर रखना है which I had already done in my main session also. The first is the loss of childhood. क्योंकि time से पहले, according to the rules, every country has their own मतलब की cap, and we हमारे यहाँ हम कहते हैं 14 years. Now the thing is कि why 14 years? Because there are many children, there are many people जिनको 14 इयर्स के बाद दे आर सपोज टू वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स तो हम कहते हैं बेसिकली एटलीस्ट 14 साल तक द चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड नॉट लाइक एनी अडल्ट बट इतना कहने के बावजूद भी इन आर कंट्री देर आर मेनी एरियाज जहाँ पे वेरी ओपनली चाइल्ड लेबर इज प्रैक्टिस एंड वी डोंट डू एनी थिंग वी जस्ट रीड इन आवर बुक्स We speak out, we claim, we put the memes, we put so many, reels, but actually there is nothing in this. This chapter is dealing with the same theme, that is child labor. Secondly, besides child labor, this chapter is also bringing the lack of empathy. That's the understanding by the what whom we call as authorities, educators, NGOs, politicians, कहते सब ही हैं. On paper, on record, it is abolished. But in reality, it's a zero check. और हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो openly इन चीज़ों को support करते हैं और कुछ शांत रहते हैं. So when neither people nor the government takes any step towards the elimination of child labor, then what happens is that becomes a rampant practice. Wo ek practice ban jata hai. And this is the theme of this chapter. These are the two themes of this chapter, which you may be asked to comprehend in your long questions. So let us now directly go to the summary of the chapter. There are two excerpts in this. One is of Sahib-e-Alam and second one is of Mukesh. The very first story is about Sahib-e-Alam. Sahib-e-Alam, if you see, was a rat picker. Now the story starts ki jo Sahib-e-Alam hai, wo matlab ki rat picker hai, jo morning mein apna thaila lekar, that is somewhere in Simapuri, wahan par thaila lekar, morning mein wo uthta hai, एंड देन बहुत आराम से स्ट्रॉल करते हुए कूड़ा उठाते हुए ही कम्स बैक एंड ही इज हैविंग अ केयर फ्री बट विदाउट एनी एजुकेशन ही हैज अ लाइफ नाउ जो ये हमारी
मतलब कि ऑथर है या राइटर है अनीस जंग, ये मिलती है, ही एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड ड्यू टू वॉर उनके जो फैमिली थी उस वक्त में, दे वर ऑल द रेफ्यूजीज एंड नाउ दे आर सेटल डाउन इन सीमापुर। अब जो उसका नाम है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12, दैट व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम। ये जो है, दिस इज व्हाट वी हैव, दैट व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम। एंड द आयरनी इज उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहेब ए आलम। लेकिन उसको जो है इसका मीनिंग नहीं पता है। एंड ऑन द ऑपोजिट कंट्रास्ट, ही इज अ रैक पिकर, मतलब जहां उसका नाम रैक मतलब कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, ही इज पिकिंग द गार्बेज, एंड दैट इज द आयरनी इन हिज नेम जो पेपर में आया हुआ है। अब जो नरेटर है, शी आस्क कि भाई वो स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करता है, व्हाई ही इज रोमिंग अराउंड। तो वो जो है मतलब कि बड़े पॉजिटिव वे में कहता है कि उसके एरिया के अंदर, इन देयर विजिनिटी, दे डोंट हैव एनी स्कूल, एंड इफ देयर विल बी एनी स्कूल, ही इज वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दैट। तो जो नरेटर है वो उसे मतलब कि उसको जो है जस्ट एक मतलब शी जस्ट वांट टू टेस्ट, वो उसे कहती है कि इफ शी बिल्ड्स वन तो क्या वो उसमें ज्वाइन करेगा। तो कहती, वो कहता है यस आई विल ज्वाइन इट। नाउ ऐसा सोचते सोचते जो है थोड़ा टाइम बीत जाता है, एंड वन डे साहिब जो है वो आता है, एंड वो उसे पूछता है नरेटर से, इज द स्कूल रेडी। द नरेटर इज वेरी मच एम्बेरस्ड, आपके पेपर का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12। शी इज वेरी एम्बेरस्ड, व्हाई, बिकॉज उसको लगता है कि सच फेक प्रॉमिसेस, सब सच ब्लैंक प्रॉमिसेस आर वेरी कॉमन इन दी इन दी लाइफ ऑफ दीज पीपल। उसके जैसे पॉलिटिशियंस, उसके जैसे मतलब कि अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सब उसके सामने झूठी प्रॉमिस करते हैं, बट नो वन फुलफिल्स। और उसका कोई इरादा नहीं था उसको झूठे प्रॉमिस करने का, उसका इरादा सिर्फ उससे क्वेश्चन पूछने का था, बट शी फील्स वेरी एम्बेरस्ड। ऑन द अदर हैंड, वो ये भी देखती है कि जो साहेब है और उसके जो फ्रेंड्स हैं, दे डोंट हैव एनी स्लिपर्स, एंड नॉर्मली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी स्लिपर्स। तो अगेन वन डे जो नरेटर है वो उसे पूछती है कि व्हाट विल हैपन इफ शी, मतलब कि वो स्लिपर्स क्यों नहीं पहनते हैं। नाउ देर आर मेनी चिल्ड्रन, नॉट ओनली साहेब, देर आर मेनी अदर चिल्ड्रन। तो सब जो है अलग अलग बहाने करते हैं। वो कहता, एक कहता कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द अलमीरा, तो दूसरा कहता अगर वो लाते तो भी ये नहीं पहनता। दूसरा कहता है दैट दे डोंट हैव द ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग द स्लिपर्स। इस पर्टिकुलर जगह पर, मतलब इस ए मतलब ये वाला जो एरिया जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर जो नरेटर है, शी रिमेम्बर्स वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हर। मतलब कुछ सालों पहले शी हैड गॉन टू अ टेम्पल टाउन उडुपी। उडुपी इज जस्ट लाइक मथुरा ऑफ नॉर्थ, वैसे ही वो कृष्ण भगवान का अबोड है। वो कहती है वहां पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो भगवान से जूते मांगते थे, एंड ईयर्स लेटर वो प्रीस्ट के बच्चे थे, दे वर द चिल्ड्रन ऑफ प्रीस्ट, पुजारी के, एंड ईयर्स लेटर उनका जो उनकी जो पोजीशन थी, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस था, वो इम्प्रूव हो गया, दे हैड द स्लिपर्स। तो यहाँ पर व्हाई शी ब्रिंग्स दिस, मतलब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वो उस चीज को यहाँ पे क्यों लेकर आए। तो उसके पीछे रीजन ये है कि शी वांट्स टू से कि जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका कहीं ना कहीं दे हैव द मतलब दे हैव द होप दैट देयर फ्यूचर इज सिक्योर। लेकिन ऐसे बच्चे जो रैग पिकर्स हैं, जिनके पेरेंट्स भी जो हैं दे डोंट टेक केयर, नॉट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो वो बेचारे कितने भी साल हो जाए, दे कैन नेवर हैव एनी स्लिपर्स। एक दिन वो देखती है कि जो साहेब है, ही इज स्टैंडिंग नियर अ गेट, दैट्स अ क्लब, वो एक क्लब है। तो उसे वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो ही टेल्स दैट वो जो क्लब है वहां पर, एंड उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन,
साहेब वॉज वियरिंग अ शू एंड द नरेटर कॉमेंट्स दैट शायद इस जूते में छेद आ गया था और किसी रिच पर्सन ने उसको फेंक दिया था, लेकिन फॉर साहेब दैट वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट न्यू, ही वॉज वेरी हैप्पी. साहेब बताता है कि जब कोई भी वहां नहीं होता है तो जो गार्ड है वो गेट खोल देता है, ही ओपन्स अ गेट एंड दस ही इज एबल टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड ऑल. साहिब के मतलब कि यहाँ पर नरेटर का कहना है दैट देर आर मेनी पीपल, मेनी चिल्ड्रन, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मेनी एरिया, सम मे बी इन स्पोर्ट्स, सम मे बी इन सिंगिंग, सम मे बी इन एकेडमिक, सम मे बी इन अदर थिंग्स, लेकिन शायद ही इनको कोई मौका मिलता है. और एल्स वी कैन फाइंड मेनी धोनीज एंड मेनी कोहलीज अमंग देम, वी कैन फाइंड मेनी पीवी सिंधुज अमंग देम, मेनी सानिया मिर्जाज अमंग देम, बट शायद हम नहीं मिल पाते हैं. द रीजन इज दीज चिल्ड्रन नेवर गेट एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी. नाउ शी एक्सप्लेन सीमापुरी दैट सीमापुरी जो है इट्स इवन दो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिल्ली. मतलब क्या आयरनी है, ये भी ये वाला जो क्वेश्चन है दिस केम फॉर 10 मार्कर बट नाउ इट कैन बी फॉर अ 6 मार्कर, नाउ इट कैन बी अ 6 मार्कर. सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट फार माइल्स अवे. मतलब जो क्वेश्चन है दैट इज कि सीमापुरी इज दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज कम इन द एग्जाम दैट सीमापुरी दो इज अ पार्ट ऑफ इज द पेरिफेरी. मतलब वो दिल्ली का ही एक हिस्सा है लेकिन जो रियल दिल्ली है, व्हाई वी कॉल इट एज रियल दिल्ली, रियल दिल्ली इज द दिल्ली ऑफ फोर्ट्स, ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्यूटिफुल गवर्नमेंट बिल्डिंग, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स द हार्ट ऑफ इंडिया. बट अगर आप सीमापुरी जाते हो तो यू विल फाइंड दैट दैट प्लेस इज वेरी फिल्दी. मतलब गलियों से आप गुजर नहीं सकते हो, इट्स रादर मतलब कि आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, वेरी अनहाइजेनिक. इनफैक्ट अगर आप वहां पर जाओगे मतलब दूर से भी, सीमापुरी कवर्स द एंटायर राइट साइड ऑफ व्हाट वी कॉल एज दिलशाद गार्डन. दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी. माय इंस्टीट्यूट वाज इन द मतलब की एज ऑफ द सेम एरिया और मेन सड़क दिलशाद कॉलोनी के इस तरफ आप जाओगे, गलियों में आपका आप खुद नहीं घुस सकते हो, उतनी सी जगह होगी एंड देर आर सो मेनी हाउसेज ऑल मतलब की जो है मतलब एवरी मोस्ट ऑफ देम आर हाफ मतलब की मेड, कच्चे हैं वो सारे, विदाउट एनी वॉट यू कॉल सीवर और एनीथिंग. ऊपर से उन लोगों ने जो है फ्री के जो है दे हैव टेकन द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल फ्रॉम दिलशाद गार्डन एंड दिलशाद कॉलोनी बाई पुटिंग द लाइन. इट्स कंप्लीटली अनहाइजेनिक, फिल्दी, वेरी वेरी रिस्की टू इवन पास दैट एरिया. एंड भगवान की दया से मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स दे आर देयर, बट देयर इज नो बेसिक एमिनिटीज. रोड है, सीवर है, वाटर है, नथिंग. वाटर टैंक होता है वहां खड़ा रहता है वो. एंड मेनी पीपल हैव जस्ट पुट द टेम्पररी शेल्टर टू देयर होम्स एंड जस्ट लिविंग देयर. वहां थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग, दे आर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर रिफ्यूजी. ये लोग बांग्लादेश के वॉर के दौरान हमारे यहाँ पर इंडिया में इनको रिफ्यूज दिया गया था.
इसके अलावा इनके पास और कोई भी फैसिलिटी नहीं है। दे ओनली हैव वन थिंग एंड दैट इज देयर राशन कार्ड। उससे उनको दो चीजें मिलती हैं, एक है राशन कार्ड से जो उनको सामान, एंड द सेकेंड वन इज द राइट टू वोट, दैट टू देयर आर सर्टेन एरिया। और उसके अलावा नीदर यू कैन फाइंड एनी स्कूल और एनी हॉस्पिटल और एनीथिंग, नथिंग इज देयर। और वहां जितने लोग रहते हैं मैक्सिमम दे आर रैग पिकर्स। इफ यू सी इन द मॉर्निंग यू कैन फाइंड दैट द एमसीडी ट्रक्स आर स्टैंडिंग ओवर देयर, और ये लोग अपने रैग बैग्स में जो है कूड़ा उठा के लाते हैं। एंड मैंने इनका काम होता आसपास की जगह से कूड़ा उठाना, एंड जितना कूड़ा उठाते हैं उसके अकॉर्डिंग इन दे गेट द पेमेंट। एंड देर आर टू कॉनोटेशंस, अगेन अ पेपर में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ, मतलब कि रैग पिकिंग फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन थर्ड, मतलब बड़ों के लिए इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। वहां जितने मतलब मैक्सिमम लोग हैं दे आर ऑल रेफ्यूजीज। वो लोग कहते हैं कि इवन दो बांग्लादेश में दे हैड लॉट्स ऑफ फील्ड एंड एवरीथिंग, बट दे वर नॉट गिवन एनी अदर फैसिलिटी, सो दे हैड टू कम ओवर हियर। और यहाँ पर दे आर ओनली पिकिंग द रैक्स फॉर ईयर्स फॉर जेनरेशन, एंड उनके लिए दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। वेयर इज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट्स अ वंडर रैप्ड इन जॉय। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन। दोनों तीनों तरीके से आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैग पिकिंग फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन? एक, फॉर चिल्ड्रन इट इज वंडर रैप्ड इन जॉय। सेकेंड, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ रैग पिकिंग फॉर डिफरेंट पीपल? थर्ड, तीनों का आंसर सेम है। फॉर द एल्डर्स इट इज ओनली द सोर्स ऑफ इनकम, एंड फॉर द यंगर्स, फॉर द चिल्ड्रन इट्स जस्ट अ जोक। उनके लिए वो एक वंडर है। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स व्हाइल स्क्राउंजिंग द गार्बेज, गार्बेज को उठाते हुए दे फाइंड अ टॉय, अ 10 रुपी नोट या कुछ भी उनके काम का मिलता है। सो फॉर देम दैट स्क्राउंजिंग इज जस्ट अ जॉय, इट्स नथिंग लाइक अन एम्प्लॉयमेंट। एंड दैट इज वॉट रैग पिकिंग मीन्स। यहाँ पर ना गवर्नमेंट, ना अथॉरिटीज, ना पॉलिटिशियंस, दे ऑल हैव शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीविंग देम इन लर्च। उन लोगों को बस छोड़ रखा है, दे डोंट हैव एनीथिंग। एंड इसीलिए अगर आप वहां पर सचमुच में जाते हैं, इवन इफ यू पास बाय यू कैन सी दीज, मतलब कि अब तो इसमें जो उसका जो मेन एरिया रोड है उसको तो इन्होंने कमर्शलाइज भी कर रखा है, बट इन साइड इट इज रियली वेरी अनहाइजीनिक एंड वेरी अनसेफ ऑल्सो। स्टिल गवर्नमेंट गेट्स अ वोट बैंक एंड दे आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग एल्स। और साहेब के जैसे ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको बचपन में पढ़ना है, जिनको बचपन में जीना है, बट दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ बाय फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर फैमिलीज। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, साहेब गेट्स एम्प्लॉयड इन अ टी स्टॉल। अब वो मतलब कि नरेटर देखती है कि साहेब अब जो है हाथ में टी का केटल लेकर जा रहा होता है, एंड ही इज नाउ एम्प्लॉयड, ही इज गेटिंग 800 रुपीज प्लस 3 उसको मतलब की मील्स, 3 वक्त का खाना भी मिलता है और 800 रुपये भी मिलते हैं। बट नाउ साहेब इज अनहैप्पी। वाई? मतलब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है दैट ही फील्स, साहेब फील्स अ स्टील कनिस्टर हेवियर देन हिज गार्बेज बैग। सेकेंडली इसी में एक डिबेट आया था क्वेश्चन में कि अब तो साहेब 800 रुपये में काम कर रहा है, उसको 3 वक्त का खाना भी मिल रहा है, सो इज इट राइट और रॉन्ग? बट मॉरली इट इज रॉन्ग। हाँ, उसकी फैमिली को शायद उस 800 रुपये की जरूरत है, लेकिन साहेब की जिंदगी, नाउ ही इज वर्किंग, ही इज मतलब कि
बट उसका जो टाइम पहले केयर फ्री था, ही यूज टू टेक द रैक पिकिंग बैग, ही यूज टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, बट नाउ ही इज एम्प्लॉयड, ही इज अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसको वो जो स्टील कनिस्टर है, दैट इज द केटल, उसको वो गार्बेज बैग से हेवी लगता है. दिस इज अ मेटाफॉर, दिस इज नॉट हेवी. उसका कहने का मतलब है कि ही हैज लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ साहिब. Since this particular area was very close to my institute and I have been, मतलब हमें कई बार उस तरफ से, not exactly, but उस तरफ से जाना पड़ता था. दिलशाद कॉलोनी का बैक साइड आपका सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी है, विच इज यू नो द ओरिजिनल प्लेस वेयर दिस रैक पिकिंग इज डन. गलती से भी आप उस रोड की तरफ, मतलब कभी ट्रैफिक था, आपको पीछे से जाना पड़ गया था. यू कांट इवन लुक एट दैट लेफ्ट साइड. इट्स अ वेरी 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 व्हाट यू कॉल एज अनहाइजीनिक एंड अनफिल्दी एरिया. और घर ऐसे हैं 10-10 गज में 6 या 7 मतलब मंजिलें ऊपर बनी हुई है. आई डोंट नो व्हाट हाउ इट इज बिल्ट. एंड ऑल द पीपल हु आर इन द यू नो जो नीचे मतलब ऐसे काम करते हैं, स्वीपर्स एंड ऑल, दे आर स्टे ओवर देयर. एंड इट इज अ हब ऑफ क्राइम. पक्का जो क्राइम होता है वहीं पे मिलते हैं हमें. एंड दिस इज हाउ वी आर ओनली अलाउिंग द क्राइम टू ग्रो. वी आर अलाउिंग व्हाट वी कॉल एज हम लोग, आप लोग, मैं, हम में से, हम जैसे कितने लोग, वी आर पेइंग हेवी टैक्सेस. हम लोग कितने सारे टैक्सेस देते हैं. हमारी इनकम जरा 10 रुपए बढ़ जाती है तो वी कम अंडर द टैक्स रूल. हम अगर कार लेते हैं तो वी हैव टू पे द टैक्स. अगर हम घर लेते हैं, मतलब कि वी आर टेकिंग समथिंग लग्जूरियस, वी हैव टू पे द टैक्स. बट ऑन द अदर हैंड, दीज पीपल हु डोंट पे इवन द इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट इवन पे द व्हाट यू कॉल एज नीदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर वाटर, उसके बावजूद भी दे आर लिविंग देयर. इट्स ओनली बर्डन ऑन द एंटायर इकोनॉमिक्स. इट इज शैटरिंग देयर ड्रीम्स. उनमें से ऐसे कई सचमुच में बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे. बट ऑन द अदर हैंड, दीज थिंग्स आर इग्नोर्ड. ओनली अ वोट बैंक इज देयर, नथिंग एल्स. तो बेटा, इफ द एक्सप्लेनेशन कम्स, यू कैन राइट योर ओन थॉट्स इन अ गुड मैनर फॉर दिस चैप्टर. सेकेंड जो है वो है अबाउट अ बॉय मुकेश, हु इज अ रेसिडेंट ऑफ फिरोजाबाद. फिरोजाबाद इज नियर आगरा. बेसिकली वहां पर आपको जितने भी क्राफ्ट एंड वुड क्राफ्ट एंड बैंगल मेकिंग मिलता है. इवन दो अभी माई डॉटर वॉज टेलिंग मी दैट द बैंगल मेकिंग प्रोसीजर हैज लॉट चेंज बिकॉज शी गोज ओवर देयर फॉर द फैक्ट्री विजिट्स एंड ऑल, बट येट देर इज वन पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया विच इज ओनली बैंगल मेकिंग. एंड जहां पर जो बैंगल मेकिंग होती है चूड़ियां बनने की, दैट इज इन अ वेरी हजार्डस वे. आपके पेपर, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल मेकिंग कंपनी, मतलब की फैक्ट्री. तो बैंगल मेकिंग जो है, दैट इज आपका व्हाट वी कॉल एज, जहां पर आपके जो लैक्स होते हैं उनको, जो आपके ग्लास होते हैं उनको तोड़ के उनके जो डस्ट होता है उनमें आपके पॉलिश वगैरह मिलाकर बनाया जाता है. एंड व्हेन इट इज मेड, द प्लेस वेयर द एक्चुअल मतलब कि बैंगल मेकिंग इज देयर, दैट्स अ वेरी बिल्कुल अंधेरा नुमा होता है, डार्क. देर इज नो लाइट, देर इज नो एयर. एंड दे हैव टू वर्क अंडर द वॉट वी कॉल एज फर्नेसिस. उनको जो है फर्नेसिस में, यानी कि भट्टी के नीचे काम करना पड़ता है, मतलब कि जलती हुई भट्टी में. एंड वेन दे आर वर्किंग अंडर दैट, तो कभी कभी क्या होता है, वो जो फ्यूम्स होते हैं जो मिरर के, वो जो मतलब कि ग्लास के, वो उनकी आंखों में चले जाते हैं, कॉजिंग इंजुरी. समटाइम्स दे बिकम ब्लाइंड. समटाइम्स एक्सपोजर टूवर्ड्स द सनलाइट मेक्स देम ब्लाइंड. प्लस जो नॉक्सियस आपका फ्यूम है उसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं.
क्योंकि वो भट्टी है तो आग आती है, उसमें से आपका धुआं आता है, तो दे गेट दीज प्रॉब्लम्स। येट लैक्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्रीज एज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एज पर इंडियन गवर्नमेंट इट इज बैंड, लेकिन यहाँ ओपनली आपके बच्चे काम करते हैं। हाउ? द रीजन इज यहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयड एग्जैक्टली, मतलब वो दूसरों के घर में एम्प्लॉयड नहीं है, इनका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है। दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट एंड ड्यू टू द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ड्यू टू द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट दे आर बाउंड टू फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ देयर फैमिली, और वहां हर दूसरा जो फैमिली है दैट्स मेकिंग बैंगल्स। नाउ जो नरेटर है व्हेन शी मीट्स मुकेश, वो उसको अपने घर लेकर जाता है। वाइल वो अपने घर लेकर जाता है तो वो देखती है कि दोनों तरफ जो गलियां हैं दे आर वेरी वेरी नैरो, फिल्थी, सभी जगह पे जो है हाफ मतलब कि मेड, आधे मतलब बने हुए घर है, दे आर नॉट पेंटेड, दे आर जस्ट किसी में मतलब कि सीमेंट है किसी में नहीं है, जिसको कहते हैं ना कच्चे हाउसेस वो है, और उनके जो दरवाजे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाए। When she takes him to, when he takes her to the house, it's a shanty house. लेकिन उसकी जो फादर है, he is very happy. वो कहते हैं कि कम से कम I'm satisfied. Even though वहाँ पर उनकी दादी है, and she tells that they have not eaten 2 squares of proper meal. कितने साल हो चुके हैं, उन्होंने कभी 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया है। बट उसके बावजूद उसके फादर को इस बात की तसल्ली है कि कम से कम एक घर तो है उनके पास। वहां मुकेश देख मतलब कि जो नरेटर है वो देखती है दैट मुकेश है, उसकी दादी है, उसके फादर है, एंड शायद जो उस बूढ़ी औरत है उसके हस्बैंड जो है ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट। लेकिन उस बूढ़ी औरत को उसे कोई दुख नहीं होता है, वो कहती है कि इट इज हिज डेस्टिनी, ये पेपर में आया था, दिस केम इन दिस द क्वेश्चन दैट इट इज हिज कर्मा डेस्टिनी, ये उसका मतलब कि ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसका कर्म है दैट ही हैज लॉस्ट हिज आईज, इट इज नथिंग रॉन्ग, इट इज ओके, बट दे डोंट वांट टू लीव द ट्रेडिशन, मतलब बैंगल मेकिंग की वजह से ही उसकी आंखें गई हैं, लेकिन दे आर नॉट। वहां पर नरेटर देखती है कि जो मुकेश की भाभी है शी इज स्टिल वियरिंग द व्हील, व्हील मतलब घूंघट, VEIL व्हील, और वो ये देखती है कि ये लोग कितने मतलब कि ड्यू टू द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट कितने ये लोग बैकवर्ड हैं। स्टिल जहां मतलब कि गर्ल्स हैव रीच द मून, वहां पर स्टिल दे आर इन द व्हील, स्टिल दे बिलीव इन कर्मा एंड दे बिलीव दैट इट इज बिकॉज ऑफ द कर्मा दैट ही हैज लॉस्ट, एंड दे आर वर्किंग इन अ डेंजरस इंडस्ट्री। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, वॉट डज मुकेश वॉन्ट टू बिकम एंड हाउ कैन ही रियलाइज हिज ड्रीम्स, मुकेश क्या करना चाहता है और मुकेश इन ड्रीम्स को कैसे रियलाइज कर सकता है। तो मुकेश जो है ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम्स इफ ही गोज आउट, ही लर्न्स द स्किल्स ऑफ मोटर मैकेनिक एंड ही इज वर्किंग इन गराज, वो मतलब कि करने के लिए तैयार है। जो गराज जहां वो सीखना चाहता है वो उनके घर से बहुत दूर है, वो पैदल भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी फैमिली जो है इट इज नॉट रेडी दैट ही शुड लर्न, ही शुड डिविएट फ्रॉम देयर ट्रेडिशन। वहां एक लड़की है मतलब कि सविता करके, एंड नरेटर देखती है कि वो जो लड़की है शी इज मतलब कि मेकिंग द बैंगल्स, लेकिन शायद उस लड़की को नहीं पता है बैंगल मेकिंग इज नॉट ओनली हजार्डस, इट मतलब कि यही बैंगल्स एक दिन उसकी एक जिंदगी बदल दी। इन इंडिया बैंगल्स आर कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस ज्वेलरी,
हमारे लिए बैंगल की बहुत मान्यता होती है। एंड वी इवन मतलब कि रिलेट द कलर्स ऑफ द बैंगल्स विद डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ अवर लाइफ। आई रिमेम्बर देर वॉज वन पोयम ऑफ सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की पोयम थी जिसमें वो बैंगल्स को, मतलब वो कहती है जो येलो बैंगल्स होते हैं दे आर फॉर द यंग चिल्ड्रन, जो हंसते फूलते मतलब कि करते मस्ती मजाक करते हुए होते हैं। एंड वेन अ गर्ल बिकम्स अ ब्राइड तो रेड कलर उसके लिए बहुत ही मान्यता रखता है। रेड ग्रीन दीज कलर्स आर रिलेटेड विद द लव विद हर मैरिड लाइफ। एंड वेन अ वुमेन ग्रोज ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो जाती है या शी मतलब कि वो मिडिल एज हो जाती है, देन द पर्पल कलर बैंगल्स आर बॉर्न बिकॉज पर्पल रिफ्लेक्ट्स मेच्योरिटी। तो इन द रियल लाइफ वी हैव सो मेनी थियोरीज बिहाइंड बैंगल्स, लेकिन इन बैंगल्स को बनाने के लिए, जैसे अभी पटाखे फूट रहे हैं, इन पटाखों को बनाने के लिए कितने बच्चे ट्यूबरकुलोसिस के शिकार होते हैं, वी डोंट केयर। आई बेट क्लास 12 नोबडी केयर्स। जब सुनते हैं ना तब सब कहते हैं हाँ यार ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन जब हम फूटते हैं ना तब हम इस बात को नहीं समझते। हम एक अनार जलाते हैं उसके पीछे शायद 10 बच्चे बीमार पड़ते हैं। एंड दिस इज अ रियालिटी बिकॉज शिवगासी इज इन तमिलनाडु, और जब ये पीरियड होता है ना पटाखे बनाने का, इन बच्चों को ना दरवाजों में बंद कर दिया जाता है। एंड वहां पे 99% जो है बच्चे ही काम करते हैं। 99% बच्चे जब काम करते हैं तो जैसे बीड़ी को रोल करना पड़ता है वैसे उसके अंदर वो जो केमिकल्स होते हैं उन्हें रोल करते हैं। एंड देर हैव बीन इंक्रीज ऑफ केसेस ऑफ कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड मेनी अदर। गवर्नमेंट आती है बंद करती है, लोग शोर मचाते हैं, से से नो टू क्रैकर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग अभी तो, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है तो लोग उड़ाते रहते हैं, बट देन दे स्पीक अप यस यस ये करना चाहिए। तो जब बैंगल मेकिंग या फिर ये जो मतलब कि क्रैकर मेकिंग है, इनमें हर दूसरे मिनट एक बच्चा जो है वो बीमारी का शिकार है। स्टिल पीपल डोंट वॉन्ट टू लीव इट, मतलब वहां के लोग ही नहीं चाहते उनके बच्चे इस चीज को छोड़े। द गवर्नमेंट डजेंट टेक एनीथिंग, दे वॉन्ट टू मेक बैंगल्स, दे वॉन्ट टू मेक द क्रैकर्स, लेट दम मेक बट इन द प्रॉपर मैनर, एंड वी पीपल डोंट वॉन्ट टू। सो दिस इज वाई मेनी चिल्ड्रन लूज देयर प्रीशियस लाइफ। अब नरेटर उसे पूछती है नेक्स्ट कि भाई तुम लोग आपके मतलब कि वहां पर क्या है, एवरी हाउस इज मेकिंग बैंगल्स। अब आप सोचो एक एरिया में सारे के सारे बैंगल्स बनाते हैं तो वो बिकते कहाँ है, हु इज द बायर, वहां पे मिडिल मैन है जो उनसे खरीदते हैं एंड दे सेल आउट इन अदर एरियाज, लेकिन इन लोगों को दे हार्डली गेट एनी प्रॉफिट। तो वो नरेटर उसे पूछती है कि व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव का फायदा क्या होगा, मिलजुल के वो लोग रॉ मटेरियल्स ला सकते हैं, मिलजुल कर वो लोग मिडिल मैन को एलिमिनेट करके जाकर शहरों में बेच सकते हैं। तो मुकेश कहता है इस वाले मतलब कि इसको आप लोग जो हो, आई एम मेकिंग दिस 3 स्टार्स ओवर हेयर, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंड दिस वन, मतलब इस वाले पोर्शन से मुकेश वाले से ये दो को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक आता है मतलब कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम एंड हाउ ही कैन बिकम, और एक ये वाला, दिस इज अ थेमेटिक क्वेश्चन। तो वो कहता है कि इफ दे ट्राई टू इवन रेज देयर वॉइस, अगर वो अपनी आवाज ऊंची भी करते हैं तो जो मतलब कि अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, वो उनको जो है जेल भेज देती है, मारती है, पीटती है। एंड देर इज नो वन हु कैन रेज देयर वॉइस लाइक अ लीडर, इसीलिए वो अपने बड़े लोग, जैसा बड़े लोग करते आए हैं,
जस्ट वॉन्ट टू, दे जस्ट लैमेंट द इको, मतलब वो सिर्फ उसी बात को दोबारा दोहराते हैं एंड दे वॉन्ट टू जस्ट फॉलो द सेम पाथ। मतलब कि यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आता है, दे जस्ट लैमेंट, दे इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, दे इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। इको मतलब गूंजना, बस उनके जो एल्डर्स जो बोलते हैं वो उसी बात को गूंज, मतलब कि दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वी डोंट हैव एनी करेज, और अगर हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अस वी आर ब्रूटली टॉर्चर्ड। नरेटर यहाँ पर कहती है कि मुकेश और मुकेश के जैसे जो लोग हैं, दे आर ऑल सर्कमवेंटेड बाय द विशियस सर्कल ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स, पॉलिटिशियंस, साहूकार, पोलिस एंड अदर्स। ये पेपर का अगेन वन मोर क्वेश्चन है, मतलब विशियस मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। और इनके चारों तरफ वो लोग हैं जो कि मतलब कि चालाक हैं, दोज हु आर ग्रीडी, लालची हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस, साहूकार, पोलिस, एंड दे जस्ट एक्सप्लॉइट पीपल लाइक मुकेश फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट्स। काइंडली अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर पेपर, दिस कैन बी ऑल्सो अ थेमेटिक क्वेश्चन। मतलब दिस इज वेयर की विशेष सर्कल, मतलब मुकेश कुछ करना चाहे, मुकेश जैसे लोग आवाज भी उठाना चाहे तो ऐसे लोग उनकी आवाज को बंद कर दे। नाउ द स्टोरी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेती है एंड जो नरेटर है वो उसे पूछती है कि डू यू वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। ऐसा वो दोबारा क्यों पूछती है, क्योंकि उसने साहेब से भी पूछा था, सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू नो दैट वॉज ही रियली एस्पायर्ड या फिर ऐसे ही हवा में फेंक रहा है। से बच्चे होते हैं ना, जब आप लोग उनसे पूछना 6th स्टैंडर्ड में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स से आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, 9th तक आते आते डॉक्टर से इंजीनियर बन जाते हैं, 9th से 11th तक आते आते देखा जाएगा बन जाते हैं, और 12th के बाद जो मिलता है वो बनते हैं। सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू फाइंड आउट इज इट रियालिटी ही वॉन्ट्स टू स्टडी। तो वो कहता है नो आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, वो मतलब कि वो जमीन की तरफ देख रहा होता है, ही इज वेरी एम्बेरस्ड, ही इज वेरी एम्बेरस्ड। और वो कहता है कि ही वुड बी हैप्पी टू बी अ मैकेनिक बिकॉज दैट वुड गेट हिम डिसेंट जॉब्स, यहाँ पर कार्स आते जाते हैं तो ही कैन गेट अ गुड मतलब कि इनकम बाय रिपेयरिंग देम। ही डजंट वॉन्ट टू ड्रीम अबाउट द स्काई विच इज आउट ऑफ हिज रीच। मतलब यहाँ पे एंड में इस चैप्टर में लिखा हुआ आता है दैट नॉट मेनी प्लेन्स फ्लाई ओवर, नॉट मेनी प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो इसका मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब है कि प्लेन उड़ाना उसके मतलब कि सपनों से दूर है, तो ही डजंट वॉन्ट टू ड्रीम अबाउट समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग विच इज रियलिस्टिक। दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसका मतलब ये है दैट फिरोजा मतलब कि ही डजंट ड्रीम एनीथिंग अनरियलिस्टिक, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक बिकॉज दैट वुड गिव हिम अ मतलब कि अ डिसेंट इनकम। तो दिस इज वो, इसके बाद शी टेल्स देर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग दुनिया है, वन ऑफ द रिच द साहूकार्स द पॉलिटिशियंस द अथॉरिटीज जो एंजॉय कर रहे हैं, एंड अनदर मुकेश और मुकेश के जैसे हजारों लोग, दोज हु आर सफरिंग, दोज हु आर लिविंग इन द ग्राइंडिंग पॉवर्टी।
आपके बैंक में भी दीज क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर गिवन. दे आर लिविंग इन एटमोस्ट स्क्वालर ऑफ पॉवर्टी, दे आर लिविंग इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जहां पर शायद उनको ये नहीं पता है कि रात का खाना उनके लिए है या नहीं. सो देर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, देर इज कंप्लीट कंट्रास्ट. एक जो एंजॉय कर रहा बाय एक्सप्लॉइटिंग देम, एंड अनदर वन विच इज एक्सप्लॉइटेड एंड डजंट नो, डू नॉट नो व्हाट टू डू. एंड इस तरीके से द स्टोरी एंड्स, एंड द स्टोरी गिव्स अस, मतलब आपका जो थीम है और सब थीम है वो इसी चीज को बताता है कि वन मुकेश जो इंडिया का कास्टिज्म का के स्टिग्मा में रह रहा है, एंड दूसरा साहेब आलम हु इज वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर बिकॉज ही इज अ रिफ्यूज. तो चाहे वो साहेब आलम है दो, मतलब कि अ पर्सन हु हैज बीन अ रिफ्यूज, और मतलब कि मुकेश हु इज लिविंग इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी बिकॉज ऑफ हिज ट्रेडिशन, दोनों जो है दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द पीपल बाय गिविंग देम फॉल्स प्रॉमिसेस. व्हेन द इलेक्शंस आर देयर, देयर आर सो मेनी यू नो मतलब की प्रॉमिसेस, व्हाट एवर गवर्नमेंट इट इज, व्हाट एवर थीम इट इज, दे आर सो मेनी. ऑन ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल, दोज हु डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज वॉट द थीम सेज. ड्यू टू दीज नेग्लिजेंस, साहेब मुकेश और ऐसे कई नाम जो कि अपना बचपन खो देते हैं. एक क्वेश्चन मतलब कि दिस इज अ रिलेटेड, जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, एंड दैट इज आपका लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ. एंड स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम. अभी जो चल रहा है वो ऑटम है, आप देखोगे कि जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं. एंड स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, जब फूल खिलते हैं. एंड चाइल्डहुड जो है दैट इज द टाइम व्हेन वी लर्न, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव केयर फ्री लाइफ, दैट इज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली लिव. लेकिन वो जो टाइम है दैट हैज बीन स्पॉइल्ड फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश एंड साहेब आलम, जिनको इस छोटी सी उम्र में दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स, दे आर स्पेंडिंग देयर एंटायर लाइफ इन अर्निंग मनी बिफोर दे शुड अर्न, और इसीलिए द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज जस्टिफाइड. दैट इज द एंटायर समरी ऑफ दिस चैप्टर स्टेप बाय स्टेप. इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो, एंड यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस. आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चंस भी. शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे प्रोमिसेस लाइक मी आर मतलब कि ब्लीक प्रोमिसेस लाइक माइंड आर वेरी कॉमन इन देयर लाइफ, यानी कि जब वो झूठा प्रोमिस करती है कि अगर मैं इफ आई मेक अ स्कूल विल यू ज्वाइन इट, ये वाला क्वेश्चन. देन सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी, देन व्हाट आर द डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ मतलब कि गार्बेज टू द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन, ये वाले तीन चार क्वेश्चन काफी. एंड देन व्हाई वॉज साहेब अनहैप्पी व्हाइल ही वॉज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, इस वाले में हु वॉज मुकेश, व्हाट डज ही मतलब की वॉन्ट टू बिकम, हाउ कैन ही बिकम, एंड व्हाट आंसर डज मुकेश गिव व्हेन शी सेज दैट दे शुड फॉर्म ए कॉपरेटिव. ये दो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है. एंड ये वाला जो लास्ट मैंने आपको बताया था, नॉट मेनी प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, उसके अलावा तीन क्वेश्चन है. जस्टिफाई द टाइटल आ जा सकता है, या फिर जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि दीज पीपल आर सरकमवेंटेड, या फिर मतलब कि सराउंडेड बाय द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार पुलिस मैन एंड अदर्स, ये वाला. और एक कॉमन थीम दोनों चैप्टर को ले, दोनों मतलब कि एक्सर्ट को लेकर, कि जो लोग हैं दोज हु एक्चुअली हैव टू डू समथिंग, द पॉलिसी मेकर्स द अथॉरिटीज, दोज हु क्लेम दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम,
दे जस्ट हैव अ डेफ ईयर टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पीपल. दैट इज द एंटायर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंट.